सो हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और मैं एकदम पागल की तरह, देखिए मेरा बाल एकदम चिपक गया है क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं किया है 2-3 दिन से और बहुत गर्मी है। मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा। तो अभी जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद सोचते हैं कि आज कहाँ जाया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं झटपट से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जस्ट लाइनर और लिपस्टिक लगा लिया है, पर्पल कलर का लिपस्टिक जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी बच्चों का 5-8 मिनट की तरफ आई एम टू लेट, तो फिलहाल थोड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखते हैं कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं। तो डॉक्टर के पास बहुत हड़बड़ी में गई, फिर काम हो गया और डॉक्टर के पास का वीडियो क्या ही डालती। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं वहाँ, जो कि था हमारा डेस्टिनेशन, जो कि था द भोज कंपनी, जो कि सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में है, एकदम जहाँ पे करीम्स है, एकदम वहीं पे उसी बिल्डिंग। तो हम गए फर्स्ट फ्लोर पे, हमें बोला गया ऊपर जाके बैठने। तो यहाँ पे देखिए बलून से बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है एकदम ऊपर का दीवार। और ऐसा नहीं है कि आज कोई ओकेजन है इसलिए, यहाँ पे हर रोज़ ऐसे बलून से डेकोरेट किया जाता है। और ये अभी ऑर्डर देने में बिज़ी है, तो मैं बोल चुकी हूँ मुझे क्या ऑर्डर करना है। और हम लोग 2 थाली लेने वाले हैं। तो जब तक हमने ऑर्डर कर दिया तब तक मैं बैठ बैठ के बहुत ही बोर हो रही थी, तो मैंने ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारा पिक्चर क्लिक किया, हो सके तो वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूँगी। देखिएगा कितना अच्छा पिक्चर आया है। और ये देखिए इनका मेन्यू कुछ ऐसा है, क्योंकि ये फुल बंगाली रेस्टोरेंट है, आपको सिर्फ बंगाली खाना मिलेगा। गेस वॉट, तो ये देखिए फाइनली आ गया मेरा थाली। में बहुत खुश हो गई, देख के देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो यहाँ पे स्वीट्स, चटनी, फिर राइस, पुलाव, चिकन, आलू भुजिया, दाल, और उधर है मटन, प्रॉन, राइस, फिर कुछ सब्जी है, धोखा डालना, चटनी, मिष्टी, आलू भुजिया यहाँ पे भी है, फिर दाल है और शायद मटन आने वाला है, अभी आया नहीं है। हमारा थाली आ चुका है और ये फ़ोटो खींचने में बिज़ी। ये 2 तरफ का थाली लिया है हमने। म्यूज़िक एक्चुअली यहाँ बहुत लाउड बज रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पर आई थिंक वीडियो में बहुत लाउड लगेगा सुनने में। देखिए ये लड़का 1 घंटे से वीडियो बना रहा है और मैं खा नहीं पा रही, इसके वजह से मुझे इतना भूख लग गया है, लेकिन ये अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए वीडियो बनाया जा रहा है 1 घंटे से। नाउ कैन वी ईट? ओ गॉड, आई एम वेटिंग फ्रॉम द लास्ट 1 आवर। आई कांट। जब आपके पास इतना टेस्टी खाना सामने हो तो आप खुद को रोकोगे कैसे? इट्स लुकिंग सो यम्मी, लेट्स ईट नाउ। ही इज स्टिल थिंकिंग। ओ गॉड, चैन नहीं है इसको, আমার মুখ নিয়ে নিস না আবার। अब मेरे थाली के सामने आके भी फोटो खींचने लगा है, सो इरिटेटिंग। मैंने बहुत सारा फोटो ले लिया।
तो सबसे पहले राइस से शुरुआत किया हमने, तो राइस को अभी परोसा जा रहा है। और फिर मैं सोचने लगी कि इसके बाद इसके ऊपर क्या लिया जाए, तो मैंने सोचा कि फिर दाल फिर इस तरीके से लेंगे। तो अभी मैं राइस के साथ सबसे पहले दाल ले ली, उसके बाद थोड़ा सा भुजिया ले ली और फिर धोखा डालना, और फिर मैं सोची कि क्या खाऊँ उसके बाद, क्योंकि मुझे मैं इतना सारा आइटम जब साथ में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पहले ये खाऊँ कि वो खाऊँ। मतलब मैं वैसे ईटर नहीं हूँ कि मैं एक एक करके खाऊँगी, पहले इसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसको, मैं थोड़ा यहाँ से खाती हूँ फिर वहाँ से खाती हूँ। तो फिर मैंने चिकन खाया, उसके बाद मैंने प्रॉन थोड़ा सा लिया, और देखिए मैं दूसरी तरफ दिखा रही हूँ कि मुझे ये खाना है, फिर मैं बोलने लगी कि नहीं अब ये खाऊँगी थोड़ा सा खा के देखती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा पहले ही टेस्ट कर लिया। तो फिर मैंने चटनी लिया, और फिर ऐसे करके देखिए मेरा फेस, क्योंकि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर चुकी, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो एक एक करके सारा खाना कंप्लीट करते, उसने एक खाना खा लिया फिर दूसरा वाला स्टार्ट करेगा वैसे, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा खा ली। और इनफैक्ट ये खाते खाते मैंने डेजर्ट भी ट्राई कर लिया, सोचिए डेजर्ट इंसान लास्ट में खाता है, पर मैं ये खाते खाते डेजर्ट भी ट्राई कर ली, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये डिश का नाम है धोखा डालना। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिया राइस के साथ मिक्स करके, तो ग्रेवी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। और अब मुझे मन किया थोड़ा सा पुलाव ले लेने का, तो मैंने थोड़ा सा पुलाव ले लिया और चिकन की ग्रेवी के साथ। तो अभी हम लोग खा पी के जस्ट बाहर बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट का, बहुत ही अच्छा है, टेस्टी था बहुत, मेरा पेट भर गया बहुत, तुम तो खा नहीं, मेरा तो पेट भर गया, मुझे बहुत भूख लगा था, तो पेट बहुत ही छोटा, मेरा छोटा पेट भर गया, नहीं यस मेरा भी पेट भर गया है, खाना बहुत ही टेस्टी था यहां पे, बट चटनी थोड़ा सा, चटनी बहुत खट्टा था, मैं तो खा ही नहीं उसको, जो उल्टी आने लगा सब, खट्टा उतना खाती नहीं हूँ, और किसी को खाना पड़ा मेरे हिस्से का जो मैं नहीं खा पाई, जैसे दाल चटनी धोखा डालना ये सब बंगाली फूड है, चिकन का हड्डी वो भी इसको खाना पड़ा, हड्डी भी मैं खाता हूँ। यहाँ पे हम लोग हवा एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो, मुझे लगा था बारिश होगा पर हो नहीं रहा, मोबाइल उड़ने वाला है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखने से शायद थोड़ा सा पता चले कि पेड़ पौधा कितना ज़ोर से हिल रहा है। तूफ़ान का अलर्ट आया था मेरे पास SMS में कि तूफ़ान आने वाला है, बारिश होगा, बारिश तो खैर होने से रहा पर हवा बहुत तेज़ चल रहा है, शायद तूफ़ान आए, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, कोई ठीक नहीं यहाँ पे। देखिए फिर मुझे छोड़ के ये चला गया फ़ोटो क्लिक करने, मुझे पता है कुछ अच्छे से फ़ोटो क्लिक करने का सोच रहा है ये, और इधर बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है, और देखिए फ़ोटो क्लिक करने लगा। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है इसके बैक साइड पे, इधर
करने का, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हम सिर्फ दो लोग हैं और ग्रुप में डांस करने में मज़ा आता है। हम लोगों को डांस करना मुझे नहीं आता, इसको आता नहीं, दो जन में मज़ा नहीं आएगा, ऑकवर्ड लगेगा, इसको आती है। और जो लोग जा रहे हैं वो लोग फिर इतना सज धज के ग्रुप में जा रहे हैं, हम दोनों पागल की तरह कुछ भी कपड़ा पहन के आ गए, मेरा तो छोड़ ही दो। ये इंसान कुछ भी पहन के आ जाता है, तो इसीलिए हमें वक्त निकाल दिया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग बाहर से बस गाना सुन के एंजॉय करते हैं। या तो मैं नाले में गिर जाऊंगी ऐसे, या तो मैं हवा में उड़ जाऊंगी। नाला बंद है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. अब निकल रही हूँ वहाँ से और अभी जस्ट सोच रही हूँ बस पकड़ने का, तो बस का वेट कर रही हूँ। रात हो गया है ना, तो इस टाइम पे बस मिलना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। सो गाइस, मैं भी आ चुकी हूँ। आप मेरा हालत देखिए, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और फेस वॉश भी कर लिया है। एक्चुअली फेस वॉश नहीं किया क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, मैंने जस्ट फेस वाइप कर लिया है, वो जॉनसन्स का जो वाइप्स आता है वेट वाइप्स, उससे। और मेरे आँख में पूरा नींद भरा हुआ, जस्ट मैं बेड पे पढ़ूंगी और सो जाऊंगी। पेट तो बहुत भरा हुआ है, खाने तो मैं वाली नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।